फिर से आ गए हैं एकदम न्यू ब्लॉग लेके आप सभी के लिए। वंदना एंड किट्टो क्या दमकार रखी, एकदम खांसी आ रही है, इसलिए दमकार रखे हैं। हम लोग तो नानी वगैरह खाते नहीं है और मौसम तो बहुत अरे वैसा है जिसमें चटपटा लोग खाते हैं। मौसम तो अच्छा है लेकिन यही है कि उमस है ज्यादा। और लाइट देखी थी, लाइट की वजह से और दिक्कत हो गई। भगवान के यही शुक्र है दिल्ली है, दिल्ली में ज्यादा देर तक लाइट कटती नहीं और बहुत कटेगी आधे घंटे के लिए, वो भी कभी कभार महीने में एक बार कट गया। तो गर्मी में ज्यादा दिक्कत करता है, ठंडी में तो बिल्कुल भी नहीं करता है। और गर्मी में क्या है ना, हीट इतना एसी वगैरह चलता है तो जिसके वजह से ट्रिप कर जाता है। और गाइस पता है, ये देखिए दो डब्बे मशरूम आया था और मशरूम के ये डंडे वगैरह हम निकाल देते हैं। और देखिए दो डब्बे आया था, इसको मैंने अच्छे से धुल कर इसको हमने उबाल लिया था। उबालने के बाद देखो काटते इतना रहेगा, उबालने के बाद ये इतना हो जाता है। तो इसको उबालने के बाद इसमें हमने छान लिया था, ये देखिए हमने ये टोकरी दे रखा है, कोई भी सब्जी वगैरह धोना होता है इसमें धोते हैं। और ये मटर है धुल लिए हैं और ये दो टमाटर है और मशरूम भी कई क्वालिटी के आते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो पैकेट में मैंने चार बड़े बड़े ऐसे दिखाई हाथ चार बड़े बड़े इस साइज का प्याज लिया था और छः सात मिर्ची लिया था। आप जितना स्पाइसी खाना चाहते हैं खा सकते हैं, अपने हिसाब से ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने खड़ी हरी मिर्च, मैं हमारे घर में लाल मिर्च यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए ये लहसुन है, लहसुन मैंने इसको काटा नहीं है, इस 12-13-14 कलियाँ मैंने अच्छे से मतलब कि छील लिया था और छोटा छोटा बार के प्याज लहसुन और मिर्ची को काट लिया था। देखिए लहसुन को नहीं काटा था, केवल प्याज और मिर्ची को। सरसों का तेल में मैंने जीरा का तड़का दे दिया था और यहाँ पर हमने चार प्याज को अच्छे से भूज रहे हैं। जब ये लाल हो जाएगा इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे, ये मटर ऐड करेंगे, फिर नमक, फिर गरम मसाला, फिर मशरूम को डाल के अच्छे से भूज के धनिया की पत्ती डाल देंगे। तो हम बनाते हैं इस तरह के मशरूम की सब्ज़ी, ये मसालेदार नहीं बना रहे हैं। तो चलिए यहाँ मशरूम की सब्ज़ी बना रहे हैं, आप लोग अपने घर में क्या बना रहे हैं बताइएगा। तब तक ब्लॉग में जुड़े रहिएगा, मिलते हैं कुछ टाइम बाद। तो गाइस ये देखिए हमारा सब्जी इस तरह से बन रहा है मशरूम का, देखिए अच्छे से हमने भूज लिया है। और तेल की बात करें, आप लोग कमेंट मत ये करना कि वंदना जी तेल बहुत ज़्यादा इसके अंदर डाल रखे हो। ये जब भूजोगे ना अच्छी तरह, जब सब्जी कभी बनाओगे भूजोगे ना तो ये तेल छोड़ता है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, देखिए अभी चलते हैं फटाफट आटा सानते हैं, रोटियाँ बना लेते हैं और सब्जी बस खाएँगे। अभी इसको अभी और छोटी भूजेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के बांध के फिर रेडी हो जाएगा। बॉक्स पे तो देख सकते हैं वंदना जी किचन में आ चुकी हैं और मेरे लिए फरमाइश की है कि आप जाइए दही लेके आइए। उससे पहले इनसे पूछते हैं कि बनाने वाली क्या है ये किचन में। तो घुमाते हैं कैमरा वंदना जी की तरफ। तो क्या बात है वंदना जी, आज क्या बनाने वाली हो? रोज पूछना पड़ता है आज किचन में क्या बना रही हो, समझ में नहीं आता क्या बनाओ। और बच्चे भी नहीं खाते, कड़ी होता है, सब्जी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा चटपटा बन जाते हैं, बच्चे भी आराम से भी खा लेते हैं। तो इसलिए मैं बना रही हूँ बेसन की कड़ी। कड़ी खाने से पेट भी सही रहता है, कड़ी हो गया, दाल चावल हो गया। दाल चावल तो कल बनाए थे, तेल मसाला खाने से पेट गड़बड़ होता है। तेल मसाला बहुत कम बनाती हूँ, रात को मशरूम की सब्जी बनाए थे, उसका भी वीडियो आ ही जाएगा, अभी इस पर ऐड हो जाएगा, पता नहीं सूख किए कि नहीं, वैसे सूख तो किए होंगे। तो चलिए यहाँ पे काट रही है लहसुन प्याज, लहसुन काट लहसुन चिल्ली है, अभी इसको धुलेंगे मसूरना, हम ऐसे ही बना देंगे फटाफट। चलिए हम बना लेते हैं, जाइए दही लेकर। उससे पहले हम चलते हैं मार्केट से दही लेके आते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक वीडियो बने रही है। तो गाइस खाना पीना बन गया था, खा पी लिए थे। तो यहाँ पर देखिए, अरे ये बहुत दिन से हमने इसका स्टैंड नहीं साफ किए थे, मतलब साफ करते रहते पानी डाल के, लेकिन ना ये थोड़ा मिट्टी जम गया था, अभी इसको साफ कर देते हैं। प्लास्टिक है ना, मिट्टी जम जाता है, स्टील होता तो स्टील में भी जम जाते हैं काले काले, आज इसको साफ कर दे रहे हैं, कभी स्टील का कर देंगे टाइम मिलेगा तो। चले और पानी आ रहा था तो पापा कपड़ा। तो यहाँ महादेव के सामने हम और वंदना जी बैठे हैं, काफ़ी उदास हैं, ज़िंदगी में काफ़ी उथल पुथल मची हुई है,
समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए क्या ना किया जाए, कुछ रास्ता भी नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने कुछ कर दिया है, आगे रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा है, बस महादेव से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि महादेव आप ही रास्ता दिखाओ। सही में समझ में नहीं आ रहा है, ना दिमाग में कुछ चल रहा है ना कुछ काम करने का मन कर रहा है जिंदगी में तो कुछ मतलब कि परेशानी चल रही है लेकिन हम समझ नहीं पा रहे क्या चल रही है क्यों। ऐसा लगता है जैसे किसी ने कुछ कर दिया हो, ना दिमाग काम कर रहा ना समझ में आ रहा है, कुछ सोचने को भी मजबूर हो जा रहे हैं, सोच ही नहीं पा रहे हैं क्या करें क्या सोच ना करें। रहे हैं दिमाग में कुछ अच्छा चीज आ ही नहीं रहा है, जैसे लग रहा है फिर रुका हुआ है दिमाग, पता नहीं क्या ऐसा हो गया है, होता है ना देखिए दुख सुख लिखा रहता है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कभी कभी? और ऐसा होता है ना, कहते ना जिंदगी कभी भी एक जगह नहीं रहती, इंसान कभी भी खुश रहने की कोशिश करे तो खुश नहीं रह सकता हमेशा, खुशी थोड़ी देर के लिए होती दुख भी थोड़ी देर के लिए होता है, ऐसे ही जिंदगी में सुख दुख लगा रहता है, क्या सही क्या गलत कुछ समझ नहीं आता है, आगे बढ़ने में कुछ रुकावट आ रही है, हम समझ ही नहीं पा रहे कि कहाँ से आ रही कैसे आ रही है, अब कह भी नहीं सकते किसी से, जो चीज़ काम करने के लिए सोचते हैं वो सोच ही नहीं पाते हैं, जैसे लग रहा है कि नहीं छोड़ो जाने दो, हमें हौसला मिलना चाहिए हिम्मत मिलना चाहिए, कोई जिसे सामने से मोटिवेट करे कि हाँ ये चीज़ करो अच्छा होगा, जैसे कोई मतलब कि मैं क्या बताऊँ पता नहीं, जुलाई का जो महीना चल रहा है ना बहुत बेकार चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है, होता है ना ये तो बात सही कही है, कोई कोई महीना ऐसा होता है कि इंसान के लिए बहुत ख़राब होता है, जैसे कि साल की शुरुआत होती है, लोग बोलते हैं कि साल का पहला दिन जो होता है अगर अच्छे से चला गया तो पूरा साल ही अच्छा जाता है, तो महीना भी ऐसा होता है, अगर महीना पहला जून जुलाई ऐसा महीना होता है कि आदमी का कुछ समझ में नहीं आता है। माय मम्मी का भी फ़ोन आया, मम्मी से बात करी, मम्मी कहेंगे हाँ इस महीने हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, देखिए अगर 12 महीना होता है तो इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे महीने होते हैं जो उनके लिए अनलकी होता है, मतलब कि वो महीना अच्छा होता ही नहीं है अनलकी, और एक होता है लकी, ये महीना मेरा बहुत लकी है, मेरे को ना जुलाई पता। तो यहाँ पर गाइस पतिदेव का कॉल आ गया था तो बात करने चले गए हैं, और बात कर रहे हैं, और कभी कभी होता है दिल बहुत दुखता है, बहुत मन करता है अकेले में रो लूं, लेकिन बस रो के ज़िंदगी गुजार लेते हैं, और हम कितना भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं पता नहीं लोगों की नज़र में क्यों इतने हम बुरे नज़र आते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है, पहले आप ही लोग थे कितना प्यार करते थे, कितना सपोर्ट करते थे, कितने अच्छे अच्छे कमेंट करते थे, अब तो पहले तो हम भी ये चीज़ दिखाते थे कि हाँ ये चीज़ ऐसा नहीं दिखाते थे, जो हमारे घर में रहता था खाते थे पीते थे जैसे रहते थे जैसे उड़ते थे जैसे पहनते थे वही चीज़ अब भी दिखा रहे हैं, अब उसमें सब लोग कमियाँ निकाल रहे हैं कि तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है, तुम्हें तुम्हारे बच्चों के अंदर तमीज़ नहीं है, भाई बच्चे हैं बच्चे सुधर जाएंगे, सबके बच्चे होते हैं, मेरे बच्चे नहीं, मैं भी गई हूँ बाहर घूमती हूँ देखती हूँ बहुत सारे बच्चे ज़िद्दी करते हैं, बच्चों को लेकर बोल देते हो, परिवार को लेकर बोल देते हो, हमको बोल देते हो बात करने नहीं आता है, भाई हमारी जो भाषा है जो लैंग्वेज जो हम शुरू से बोले हैं वही बोल रहे हैं, यहाँ तो बनावटी तो नहीं बोल रहे हैं कि हाँ कैमरे के सामने हम बनावटी बोल रहे हैं, जो बोल रहे रियल तो बोल रहे हैं, अगर हम बनावटी बोल दें तो ठीक है, मतलब कि बहुत बुरा समझते हो, क्यों समझते हैं गाइस क्यों समझते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है सच में, मैं ना परसों से कल से मैं इतनी टेंशन में हूँ कि मुझे समझ में वीडियो डालूं कि ना डालूं, लेकिन मैं सोचूं नहीं डालूंगी तो फिर अच्छा नहीं होगा, मैं क्या बताऊं, बहुत कुछ दिल की बातें कहने के लिए कह नहीं सकते हैं, बस आप लोग गलत समझते हो, इतने भी बुरे नहीं हैं, हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी फीलिंग बहुत सारी है, लेकिन हम कभी अपने दिल की बात शेयर नहीं करते हैं, बस छोड़ो, जो समझदार रहेंगे समझ लेंगे।